नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक सी सिविल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप DGPay का उपयोग करते हैं तो यह अपडेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको यह अपडेट जरूर जानना चाहिए और अपने कस्टमर को भी बता देना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपडेट आया है DGPay में और आप इस अपडेट से खुश हैं या क्या हैं, आप जरूर कमेंट में हमको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि DGPay में यह सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है जिसे आपको जानना अति आवश्यक है। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि DGPay में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है जिसे VLE को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, DGPay के इस अपडेट को जानने के लिए हम ट्विटर के एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं और इस पोस्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि DGPay का यह बड़ा अपडेट क्या है। दोस्तों, आपको यह जो पोस्ट है ट्विटर पर भी मिल जाएगा, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। यहां देख सकते हैं इस पोस्ट में दिया गया है NPCL द्वारा नए नियम के अनुसार हर ग्राहक प्रति 30 मिनट सिर्फ एक ही APS या आधार पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी एक ग्राहक 30 मिनट के अंतराल पर ही APS सर्विस का लाभ ले सकता है। कहने का मतलब, यदि किसी ग्राहक का ट्रांजेक्शन आपने किया और पुनः उसी ग्राहक का यदि आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो 30 मिनट के बाद ही उस कस्टमर का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। इसके बीच में किसी दूसरे कस्टमर का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक ही कस्टमर का दोबारा ट्रांजेक्शन 30 मिनट के अंतराल पर ही आप कर पाएंगे, बीच में आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात एक और, यदि आप किसी ग्राहक का आपने ट्रांजेक्शन किया और उसका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा तो उसके बैलेंस की भी इंक्वायरी आप 30 मिनट के बाद ही कर पाएंगे, बीच में आप नहीं कर पाएंगे। तो यह अपडेट CSE के द्वारा DGPay के लिए दिया गया है। आप अपने कस्टमर को भी बताएं और सभी जगह इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि अन्य VLE भी इस अपडेट को जान सके, ताकि कस्टमर कोई असुविधा न हो। तो आशा करता हूं कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।